कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है फिर? डायरेक्ट छलावा करते थे कांग्रेस वाले, डायरेक्ट जनता को छलावा करते थे, ये इनडायरेक्ट करते हैं, ये झूठा आश्वासन देके करते थे। कांग्रेस ये है कि ज्यादा झूठा आश्वासन, ज्यादा झूठे वादे नहीं करती थी। क्या समस्याएं हैं? आप सरपंच तो बन गए, काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? उसे आप सरपंच बने हैं, अगर आप बुरा न माने तो पूछो कितना खा गए आप? मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है। नहीं बोले साहब, नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है फिर? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में अंतर इतना है कि वो डायरेक्ट छलावा करते थे कांग्रेस वाले। अच्छा। डायरेक्ट जनता को छलावा करते थे, ये इनडायरेक्ट करते हैं। अच्छा। ये झूठा आश्वासन देके करते थे। कांग्रेस ये है कि ज्यादा झूठा आश्वासन, ज्यादा झूठे वादे नहीं करती थी। ये कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 18 घंटे भी बिजली राजापुर में नहीं रहती, 24 घंटे तो छोड़िए, 16 घंटे बिजली नहीं रहती राजापुर में। ये स्थिति है, ये कम से कम बिजली आती है हर आधे घंटे में, एक घंटे में। आप यहाँ पे 2 घंटे बैठ के देख लीजिए, आपको 3 बार यदि लाइट गोल नहीं होगी 10-10 मिनट के लिए, तो आप बताइए। ये स्थिति है कि हाँ, आवास योजना में, हाँ आवास योजना में क्या है, पहली बात तो हितग्राहियों को डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पा रहा है हर पंचायत की। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात तो आवास, जैसे अभी इस टाइम पे 98 आवास आए हुए हैं राजापुर में, तो उसमें 2 लोगों को आवास मिला है और लोगों को आवास आज तक मिला ही नहीं। पता नहीं उनको कब मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलेगा। 4-5 महीने हो गए, हाँ पैसे नहीं मिले सिर्फ 2 लोगों को। हाँ, और लोग वहाँ सरपंच को परेशान करेंगे। जब जन जब सरकार पैसा देगी तब ना सरपंच आवास के लिए लोग सरपंच को टारगेट करते हैं। ग्राम पंचायत राजापुर के सरपंच जी तो हमारे बाजू में ही बैठे हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो हमको भी ये लगता है कि ये सरपंच तो पूरा पैसा खा गया और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए उसने काम नहीं किया, अपने गांव के लिए। अच्छी बात है कि सरपंच राजापुर भी यहीं पे बैठे हुए हैं। क्या समस्याएं हैं? आप सरपंच तो बन गए, काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं हैं कि सरकार झूठा आश्वासन दे रही है और हितग्राहियों को आवास पहले तो दिया, आप नहीं दे रहे हैं। जो नहीं पाए हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि सरपंच के द्वारा ही माने खा लिया जाता है, पैसा नहीं आता है हमारे। आप सरपंच बने हैं, अगर आप बुरा न माने तो पूछो कितना खा गए आप? हमने तो अपने समझदारी से मैंने एक नए पैसा नहीं खाया ना। हमारे आया है सरकार से अभी तक ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में जो आया है तो हमने 4 PC रोड बनवाया है। तो ये रोड आपके ग्राम पंचायत में नहीं आती क्या? नहीं आती, PWD रोड में है। अच्छा। तो आप लोग, आप तो सरपंच हैं, आपने कभी जाके अधिकारियों से बात नहीं? हाँ, बात किए हैं, बात SDM से किया है और यहीं से गुजरते थे जब। तो विधायक जी भी इस रोड से कई बार गुजरते होंगे, आप लोग से मिलते भी होंगे, आप तो ग्राम पंचायत? हाँ मिलते हैं, परंतु यही कहते कि स्टे हो गया है इसका, टेंडर नहीं हो पा रहा है। किसने लगाया इसको हमको जानकारी नहीं है अभी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि